देश दुनिया में कोरोना का खतरा। चीन में 35 दिनों में 60,000 मौतें, 64% आबादी संक्रमित। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद पहली बार कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। चीन की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक 60,000 लोगों की मौतें हुई। मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। इधर चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 11 जनवरी तक देश की 64% आबादी यानी 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में ये सभी कहा गया कि गांसू प्रांत की 91% आबादी, हैनान प्रांत की 89% आबादी, यूनान की 84% आबादी और किंघाई प्रांत की 80% आबादी संक्रमित है। भारत में शुक्रवार को 181 नए मामले सामने आए, एक मौत दर्ज की गई। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 1,254 एक्टिव केस हैं। कोरोना के शुरुआती दौर में अब तक देश में 5,00,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।